मेरी प्यारी बेटी अकेले अकेले आरती कर रही है। अरे वाह। पता है उस बच्ची से तो थाली भी संभाली नहीं जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि हमें आके उसकी मदद कर दी। इतनी छोटी सी बच्ची पर पूजा का कितना शौक है, है ना? कितनी अच्छी तरह से आरती कर रही थी। She is so innocent, no? किसी डॉल जैसी लग रही थी। ए, उसका नाम क्या था? काश मैंने पूछा होता। अब एक मिनट, मैं अभी आती। कहाँ जा रही है तू? उस प्यारी सी बच्ची का नाम पूछने। अरे नीलू, तू यहाँ? अरे नमस्ते आंटी, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शालिनी कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है आंटी। वो आई है यहाँ तेरे साथ? नहीं आंटी, मुझे यहाँ पे एडमिशन मिल गया है कॉलेज में। ऐसी बहुत अच्छी बात है। और जब शालिनी से फोन पे बात करेगी तो उसे बता देना कि मधु आंटी बहुत याद कर रही है। ओके आंटी, बाय बाय। कितनी देर हो गई है विधि, ये नीलू बिना पता नहीं कहाँ रह गई। लो आ गई नीलू। नीलू, तू उस लड़की का नाम पूछने गई थी कि उसके अगले पिछले पूरे जन्म के बारे में सुनने बैठ गई थी? ना कुछ पूछा ना कुछ सुना। क्यों? वो मम्मी की पुरानी फ्रेंड मिल गई थी, मधु आंटी। बस उनसे बातें खत्म की और वो लड़की चली गई। कोई बात नहीं, क्या पता दोबारा उससे मुलाकात हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले उसका नाम पूछेंगे। वैसे भी कब कौन किसे किस मोड़ पर मिल जाए कौन कह सकता है। अरे वाह, ये शिप्रा दीदी शादी के बाद कुछ ज्यादा ही गहरी बातें करने लगी है। नीलू, बहुत बदमाश हो गई है तू। चलो चलो। तुम इस वक्त बिल्कुल उस चोर की तरह लग रहे हो जो चोरी करते वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया। तुम? मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ। वैसे आर्यन, इंसान छुपाता तो अपनी गलतियां ही है ना। दुर्गा, मुझे तुमसे कुछ छुपाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत है। और मैं बहाने करने नहीं जानता। ओ अच्छा अच्छा, सो यू मीन टू से के तुम बिल्कुल एक खुली किताब जैसे हो। तुम झूठ नहीं बोलते, बहाने नहीं बनाते, छुपाते भी नहीं हो। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान भी लेते हैं। लेकिन आर्यन, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान लाख छुपाने की कोशिश करे छुपा नहीं पाता। जैसे दिल में दबा दर्द, आंखों में उदासी, दिल में उमड़ता प्यार, होंठों पर मुस्कान, गुस्सा वगैरह वगैरह। दुर्गा, तुम शायद कल रात के बारे में कह रही हो। I'm really sorry, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कल के बारे में। कल? कल क्या हुआ था? अच्छा 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 अच्छा। देखो भाई, मेरी तो बड़ी सिंपल सी पॉलिसी है, रात गई बात गई, रात को बात हुई खत्म हो गई। आज एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। ये सब क्या है? ये माँ ने अल्टीमेटम दिया है कि ये पुराना सामान है, इसे फेंक दो या जो चीज़ आए करो। और तुम्हारे पास टाइम नहीं है? नहीं नहीं,
मेरा मतलब है तुम काम में इतने बिजी रहते हो कि तुम्हें वक्त नहीं मिला। वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, आई रियली डोंट माइंड। देखो तुम छुट्टी मनाने आई हो, रिलैक्स करो। इन सब फिजूल की चीजों में क्यों अपना वक्त जाया करती हो? अरे व्हाट डू यू मीन फिजूल के काम? मेरे हिसाब से तो हर नए काम में एक नया अनुभव जुड़ा होता है। जैसे हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं, बस उन्हें ढूंढने की, उन्हें समझने की, उन्हें जानने की देर होती है। हमारे आसपास तो इतनी सारी खुशियाँ फैली हुई हैं, उन सारी खुशियों में से वो एक खुशी ढूंढ निकालना जो सिर्फ हमारी हो, जिस पर सिर्फ हमारा हक हो, बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल होता है जब खुशियां तुम्हारे दो कदम पर हो और तुम्हारा हाथ उन तक पहुंच नहीं पाए। और समझदारी उन कदमों को रोक लेने में नहीं होती। हाँ जरूर उस वक्त ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई, जीने का कोई फायदा नहीं, लेकिन आर्यन भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। वो तो हम इंसान हैं जो इस अच्छाई को समझ नहीं पाते। आज के लिए प्रवचन थोड़ा ज्यादा हो गया ना। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा आर्यन मुझे बता देना। हाँ क्या? जब पुराने सामान की सफाई करने में मदद की जरूरत पड़े। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह रही हूँ ना जरूरत पड़ेगी। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वाह 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 वाह, आज तो बहुत दिल खोल के शॉपिंग की। बड़ी मुश्किल से तो मैंने मन को रोका है। तब तो मुझे आपके मन को थैंक्स कहना चाहिए। अरे भाई कोई ये भी तो बताए कि ये साड़ी कैसी लगी? बहुत सुंदर है आंटी, आपकी चॉइस तो फैबुलस है। सच तुम्हें पसंद आई? अच्छा तो तुम्हारी चॉइस देखें, तुम अपने लिए भी एक साड़ी ले लो। नहीं नहीं आंटी मैं तो क्या मैं हाँ ले लो ना। सुमित्रा कौन है इसे? क्या मेरा तुम पर कोई हक नहीं बनता? हाँ दुर्गा भाभी इतने प्यार से कह रही है तो रख लो ना एक साड़ी। ये देखो ये ले ले, देख ये तुम्हारा फेवरेट कलर है और तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं दीदी मुझे ये नहीं पसंद, मुझे तो ये वाली पसंद है, ये मेरा फेवरेट कलर है। हाँ वैसे ये भी अच्छी है। पता था इसे सबसे सस्ती साड़ी ही पसंद आएगी। अच्छा मामा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओके पापा बाय। आर्यन अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे हॉस्पिटल से फोन आया था, तुम्हारी आज की सर्जरी पोस्टपोन हो गई है और उसने ये भी कहा था कि कोई डॉक्टर कपूर वो आज ड्यूटी पर है और उसने कहा कि अगर डॉक्टर आर्यन नहीं आना चाहते हो तो इट्स ओके। नहीं मैं फिर भी हॉस्पिटल जाऊंगा, कोई ना कोई काम जरूर निकल आएगा। आर्यन अगर तुम्हें आज कोई ना कोई काम करना ही है तो एक काम कर सकते हैं, तुम आज मुझे अपने शहर घुमाने ले चलो। हाँ मुझे काम है, जा रहा हूँ मैं। दिया हॉस्पिटल से फोन आया था ना कि डॉक्टर आर्यन की आज कोई जरूरत नहीं है ना? हाँ। आर्यन ये तुम्हारा काम वाला आइडिया ना फ्लॉप हो चुका है। लेकिन दुर्गा अगर वो कह रहा है तो मान लो ना। दीदी नॉट फेयर, जब आर्यन लंदन आया था तो मैं साइट सीइंग के लिए ले गई थी ना, ले गई थी कि नहीं? हाँ मगर वो पर कुछ नहीं। आर्यन मैं जानती हूँ कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते, छुपाते नहीं, बहाने भी नहीं बनाते, है ना? आर्यन वैसे तुम्हारा इसे घुमाने ले जाने का बनता है। लेकिन भाई साहब अगर आर्यन बिजी है तो अब दुर्गा को तो आदत है मजाक करने की। नहीं दीदी आई एम सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रही। हाँ ठीक ही तो कह रही है दुर्गा। क्यों आर्यन अब इतने बिजी डॉक्टर होने का नाटक मत करो। हाँ ओके बाबा ओके आई गिव अप। चलिए चलो। दुर्गा मेरी बात न सुनती है न समझती है। क्यों क्यों इसे आर्यन के साथ घूमने जाना था?
आर्यन, ये शहर तो तुम्हारा ही है ना। मैं तो यहाँ मेहमान बन के आई हूँ तुम्हारे, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि दुर्गा, डिड यू हैव फन, डिड यू एंजॉय योरसेल्फ, क्या तुम्हें मजा आया। लेकिन नहीं जी, आप क्यों पूछेंगे, मुझे ही तुमसे पूछना पड़ेगा। तो बताइए मिस्टर आर्यन राज सिंह, डिड यू हैव फन? यस ऑफ कोर्स। जी नहीं, कितना झूठ बोलते हो। आज तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आया, क्योंकि अगर तुम्हें जरा सा भी मजा आया होता ना, तो तुम्हारे चेहरे पर जरा सी तो मुस्कान होती। नहीं, सारा दिन अपनी किस दुनिया में गुम थे। और आर्यन, जो बात तुम महसूस ही नहीं करते, वो इतनी आसानी से कैसे कह देते हो? दुर्गा, जो बात मैं महसूस करता हूँ, जो बात मैं कहना चाहता हूँ, वो कोई सुनना नहीं चाहता। नहीं आर्यन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे आसपास सब तुम्हें बहुत चाहते हैं, सब तुम्हारे अपने हैं आर्यन, तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारे दुख में जानते हो उन्हें कितना दुख होता है, और तुम्हारी खुशी में वो खुश होना चाहते हैं। मुझे तो बस ऐसा लगता है जैसे वो एक चोट खाए इंसान को और दुख नहीं देना चाहते बस। चले। नहीं, एक शर्त पर। क्या? एक सेकंड। हाँ, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, थोड़ा सा। क्या सोच रही हूँ? गुरुजी की कही हुई बात याद आ रही है। याद है गुरुजी ने कहा था कि आर्यन की जिंदगी में अब कोई शक्ति उम्मीद का नया किरण बनकर आ जाएगी। मैदुला, थोड़ा सब्र रखो, आर्यन की जिंदगी बदलेगी। लेकिन अगर तुम ये उम्मीद रखती हो कि एक ही रात में उसकी जिंदगी बदल जाए तो एक रात क्या हर्ष, जिंदगी तो पल में बदल सकती है। आर्यन कहीं देखो ना, उसकी जिंदगी की कहानी उसे एक पल में कितनी बदल गई। हर्ष, मैं आपकी बात मानती हूँ कि मुझे सब्र से काम लेना चाहिए, लेकिन कब तक सब्र रखूं? एक माँ का दिल इंतजार करना जानता ही नहीं है, खासकर जब से गुरुजी ने कहा है कि आर्यन की जिंदगी में बदलाव आएगा। लेकिन किसकी वजह से? सरिता,
कौन सी वो ज्योति होगी जो जो आर्यन की जिंदगी के अंधकार को मिटा देगी। नजरें उठाकर देखने की कोशिश करें, उसे ढूंढने की कोशिश करें और वो जा चुकी हो। मुझसे और इंतजार नहीं होता आज। भगवान हमारे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रहा है? मृदुला, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। वक्त अपना खेल खेलता है और हम इंसान तो बस चुपचाप उसे देख सकते हैं, उसका इंतजार कर सकते हैं, रोकर करें चाहे हंसकर। इंतजार, भगवान जब इंसान को माँ बाप बना देता है ना, तो उसके नसीब में इंतजार करना जोड़ी देता है। मैंने बच्चे के बड़े होने का इंतजार और उसके सफल होने का इंतजार, फिर उसका हंसता खेलता परिवार देखने का इंतजार और फिर दादा दादी बनने का इंतजार। शायद इसी इंतजार का नाम जिंदगी है। मृदुला, दुनिया में चारों तरफ नजर घुमाकर देखो तो शायद हम अकेले नहीं होंगे जिन्हें इंतजार है कुछ खुशियों का। और जिस खुशियों का हम आर्यन के लिए इंतजार कर रहे हैं, वही खुशियां कहीं आर्यन का भी इंतजार कर रही हो। हाय खुशी। वाओ, कितनी प्यारी डॉल है ये। तुम्हें ये डॉल बहुत अच्छी लगती है, तुम इसे हमेशा अपने पास रखती हो। मुझे भी दिखाओ, लेट मी सी। अरे वाह, पर ये कैसी लगती है, लेट मी सी। बिल्कुल तुम्हारी छोटी बहन की तरह दिखती है ना। इसका कुछ नाम रखा है या नहीं? रखा है। क्या नाम रखा है इसका? नीलू। नीलू।